हे गाइस, मेरा नाम संदीप और आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले नोकिया ब्रांड की तरफ से आने वाले नोकिया की पैड 4G फीचर फोन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। एंड ये जो नोकिया डिवाइस आने वाला है इंडिया के अंदर, बहुत ही कमाल के और चौंका देने वाला ये नोकिया की पैड 4G फीचर फोन होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस नोकिया की पैड 4G फीचर फोन का नाम क्या है। तो नोकिया 5310TS करके इस नोकिया की पैड 4G फीचर फोन का नाम होने वाला है। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस डिवाइस के अंदर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देखने को मिलता है। तो सो दोस्तों, वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये कीपैड 4G फीचर फोन आने वाला है, इस कीपैड 4G फीचर फोन के अंदर हमें कायवास देखने को मिल जाता है। अब जिस फोन के अंदर कायवास देखने को मिलता है, उस फोन के अंदर सभी सोशल मीडिया से जुड़ने का एक ऑफर मिल जाता है। वहीं दोस्तों, बात करें डिजाइनिंग की, तो कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा और जो इसका बटन है काफी कमाल के और सुनहले कलर का देखने को मिल जाता है। और बैक साइड की बात करें तो हमें 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यानी कि नोकिया ब्रांड की तरफ से आने वाली इस डिवाइस के अंदर हमें बहुत ही कमाल के और बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है फीचर। दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो QVGA के साथ लॉन्च होता है। YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Assistant जैसे एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या इस डिवाइस के अंदर स्टोरेज और रैम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 512 MB हमें देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही 32 GB देखने को मिल जाता है। यानी कि रैम और स्टोरेज काफी कमाल की इस डिवाइस के अंदर हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें स्टूडियो साउंड देखने को मिल जाता है। जैसे कि फ्रंट के टॉप साइड में आप देखेंगे तो आपको स्टूडियो साउंड मिल जाता है। और दोस्तों, इस डिवाइस के बैक साइड में हमें एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, जिससे कि रात में भी हम कैमरा पिक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस नोकिया 5310TS के डिवाइस के अंदर क्या बैटरी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 1250 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि नोकिया ब्रांड की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कम से कम हमें 24 hours बैटरी बैकअप मिल जाने वाला है। यानी कि 24 घंटे बैटरी बैकअप इस नोकिया डिवाइस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, वहीं बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये 4G को सपोर्ट करेगा, इसके साथ ही वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर हमें बहुत ही कमाल के वीडियो कॉलिंग देखने को मिल जाएगा और ये वीडियो कॉलिंग हमें HD वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर ड्यूल स्लॉट सिम के साथ ये फोन आएगा जो नैनो सिम को सपोर्ट करेगा और काफी कमाल के इस नोकिया डिवाइस के अंदर फीचर देखने को मिल जाता है। जबकि वहीं बात करें इस डिवाइस की बैक साइड और कलर की, आप देख पा रहे होंगे एक बेस्ट कलर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस नोकिया 5310TS के अंदर हमें ऑडियो के लिए ऑडियो जैक 3.5 mm पर ऑडियो जैक मिल जाएगा, जिससे कि आप हेडफोन का भी मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर आपको कौन सा फीचर सही लगा कमेंट के नीचे मुझे जोर से बताइएगा। और इस डिवाइस को परचेज करना अगर पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट के नीचे जोर से बता दीजिएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस नोकिया 5310TS इंडिया के अंदर कब और कितने प्राइस में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, ये नोकिया 5310TS इंडिया के अंदर आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन अगर नोकिया की पैड 4G फीचर फोन यही वाला बाय करना चाहते हैं, यानी कि नोकिया 5310TS बाय करना चाहते हैं, तो आपको कुछ वक्त रुकना होगा। और अगर रुक जाते हैं, अगर इस नोकिया की पैड 5310 को बाय कर लेते हैं, तो काफ़ी कमाल के नोकिया की पैड 4G फीचर फोन हो जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर इसकी प्राइस क्या होगी। तो दोस्तों, ये $68 के साथ यूरोप में लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा इसकी कोई निर्धारित डेट नहीं है, यानी कि ये डेट रिस्पेक्टेड होने वाला है। तो उस वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर से कीजिएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएं। यानी कि जब लॉन्च होगा मैं उस पे वीडियोस बना दूंगा, तो उस वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आए तो सबसे पहले आप तक जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।